देवियों और सज्जनों, वार्ता के दौरान हमने व्यापार और निवेश के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच की स्थिति की समीक्षा की है। كي نستجيب للأولويات الاقتصادية والاجتماعية للشعبين والمصدر اور لابوں سے سنیوکت لابوں کا فرص अधिकतम करने के लिए काम जारी रखने की पुष्टि की है। मिस्र और भारतीय लोगों की आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं को पूरा ताकि कर सकें। मैंने प्रधानमंत्री को मिस्र में उपलब्ध निवेश के अवसरों, प्रोत्साहनों और लाभों और सरकार द्वारा विदेश निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए किए गए उपायों के बारे में भी बताया। मैंने इन्हें विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय निवेश बढ़ाने की अपनी आकांक्षा जाहिर की है, उनके सामने जाहिर की है। ख़ासतौर से सुएस नहर इकोनॉमिक जोन में विशेष रूप से हमने भारतीय कंपनियों के अंदर जो कि मिस्र में और पहले से काम कर रहे हैं, हमने उनके प्रेजेंस को मजबूत करने के बारे में उनका जज्बा देखा है। बहुत सारी भारतीय कंपनियाँ इसमें आशाजनक क्षेत्रों में, प्रॉमिसिंग क्षेत्रों में निवेश करने के बारे में बहुत गहरी दिलचस्पी रखती हैं। दूसरी ओर हमारे दृष्टिकोण विभिन्न क्षेत्रों में मौजूदा सहयोग को बढ़ावा देने और नए क्षेत्रों में साझेदारी की और को बढ़ाने पर हम सहमत हुए हैं, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी विशेष रूप से ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के क्षेत्र में सहयोग शामिल हैं। हम कई अपने क्षेत्रों मुख्य रूप से निवेश, उच्च शिक्षा, रसायन और दवा उद्योग, सूचना और संचार टेक्नोलॉजी और साइबर सुरक्षा में हमारे बीच सार्थक सहयोग को मजबूत बनाने पर हम दोनों सहमत हुए। मैंने प्रधानमंत्री जी को नियमित चैनल बनाने की ज़रूरत पर मुकम्मल दिया, जो दोनों देशों में सफल अनुभवों और इनिशिएटिव से संबंधित अनुभवों को के ज्ञान को आदान प्रदान को प्रोत्साहन देगा। विशेष रूप से स्थानीय उद्योग, छोटे और मध्यम उद्योग के विकास के संदर्भ में नागरिकों के लिए एक डिजिटल लाइफ मुहैया करने और उनके जीवन स्तर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान अदा करेगा। ये भी कोई रहस्य की बात नहीं है कि मिस्र और भारत दोनों प्राचीन सभ्यताएं हैं जिनकी जड़ें इतिहास में पैवस्त हैं, और इसीलिए हम दोनों देशों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पारस्परिक भागीदारी के माध्यम से सांस्कृतिक स्तर पर संबंधों और रिश्तों को मजबूत करने की और दोनों लोगों के बीच संचार के साधनों को सुविधाजनक बनाने के महत्व पर हम लोगों ने जोर दिया। विशेष रूप से काहिरा और नई दिल्ली के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए फ्लाइट की तादाद बढ़ाने के बारे में भी हमने बातचीत की। हमने महामहिम प्रधानमंत्री जी को कहा है कि हम मिस्र में ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय टूरिस्ट को देखना चाहते हैं, उनको स्वागत करना चाहते हैं। रक्षा सहयोग आज की वार्ता के एजेंडे में शामिल था। इस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंध शुरू करने की आम इच्छा का सबसे अच्छा प्रमाण है। जैसा कि हमने इस क्षेत्र में सहयोग को गहरा करने के लिए सामान्य संयुक्त अभ्यास, अनुभवों के आदान प्रदान और अतिरिक्त क्षितिज का पता लगाने के लिए काम जारी रखने की पुष्टि की है। मेरे और प्रधानमंत्री जी के बीच क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आम हित के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहरी और उपयोगी चर्चा हुई है। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक आर्थिक संकट और विशेष रूप से विकासशील देशों पर उनके प्रभाव हैं। हमारे अनुमान इस तथ्य से मेल खाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव वाले बार बार आने वाले संकटों ने एक बार फिर मित्र देशों के बीच अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्रवाई के महान मूल्य को पारदर्शित किया है, ताकि इन संकटों के उत्पन्न चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से कर सकें। हमने आतंकवाद का मुकाबला करने और चरमपंथी विचारधारा का सामना करने के आदर्श तरीकों पर भी चर्चा की। इस संबंध में हमारा एक सामान्य दृष्टिकोण है, जो यह है कि एक साथ सहयोग से हिंसा को ख़त्म करने की मदद मिलेगी, क्योंकि हिंसा, आतंकवाद और चरमपंथी विचारधारा का प्रसार एक वास्तविक खतरे का प्रतिनिधित्व करता है। मैंने प्रधानमंत्री के साथ शर्म और शेख में COP27 सम्मेलन के महत्वपूर्ण परिणाम की भी समीक्षा की, विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान और नुकसान के वित्त पोषण के लिए एक कोष की स्थापना के संबंध में, विशेष रूप से विकासशील देशों में जहां बुनियादी ढांचे की कमी है, जो कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का सामना करने में असमर्थ हैं।
मैंने प्रधानमंत्री जी को वर्ष 2023 के लिए भारत के G20 समिट की मेज़बानी में होने वाले सभा में भाग लेने के लिए आमंत्रण देने के लिए अपना आभार प्रकट किया है और धन्यवाद दिया है और उन्हें आश्वासन दिया है कि मिस्र एक रचनात्मक दिशा में वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास में कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा। दक्षिण के देशों की आकांक्षाएं और ऊर्जा संकट, जलवायु परिवर्तन, भोजन की कमी, विकास के लिए वित्त पोषण की कमी और विकासशील देशों द्वारा बकाया ऋण के संचय का सामना करने के लिए प्रभावी तरीकों की अनुमति देना, ये ऐसे मुद्दे हैं जिनमें हमें अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक वातावरण में स्थिरता और संतुलन बहाल करने के प्रयास में अपने मुझे अब भी 2015 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के मौके पर प्रधानमंत्री जी के साथ मेरी पहली मुलाकात अच्छी तरह से याद है। मैं उस बैठक से इस दृढ़ विश्वास के साथ निकला था कि भारत गणराज्य आपके नेतृत्व में आधुनिकीकरण और विकास में तेजी के से अनुभव कर रहा है करेगा। इस पहली बैठक के बाद से हमारे दोनों देशों के बीच संबंधों के भविष्य के बारे में मेरे मन में बहुत आशा है और उम्मीद करता हूं कि भारत आगे बढ़ता रहेगा। और आखिर में माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं काहिरा में आने उन तशरीफ़ लाने कि मैं दावत देता हूं ताकि हम रचनात्मक वार्ताओं को पूरा कर सकें और जो हमारे रिश्ते हैं उनको हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में यकीनी तौर पर बदल सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। हम दुआ करते हैं कि भगवान का गॉड्स पीस एंड ब्लेसिंग्स बी ऑन यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।